अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इंदौर से 15 किलोमीटर दूर कलारिया गांव से होकर बहने वाली गंभीर नदी कंपनियों से निकलने वाले दूषित पानी से खराब हो चुकी है। आपको बता दें कि यह नदी जाकर यशवंत सागर डैम में मिलती है, जिससे इंदौर शहर को उपयोग के लिए पानी मिलता है, लेकिन उसकी स्थिति पीतमपुर से आ रहे कंपनियों के केमिकल युक्त पानी ने पूरी तरह से खराब कर दी है। कलारिया पुलिया पर से निकल रहे पानी को देखने पर यह पूरी तरह से लाल रंग का दिखाई देता है, जिससे ग्रामीण जन चिंतित है, क्योंकि उनके मवेशियों को पानी पिलाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। पानी इतना खराब है कि नदी की मछलियां भी मर जाती हैं। इस गंभीर नदी के डैम पर इंदौर से मछुआरे आते हैं और मछलियां पकड़कर अपनी जीविका चलाते हैं। उनका कहना है कि इस पानी के खराब होने से उन्हें भी परेशानी हो रही है, वहीं शासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? केलासगोड़। कहाँ से आते हो? इमली बैर। काय के लिए आते हो यहाँ पे? अपने पेट के लिए आता था, धंधा करता हूँ मछली के लिए। अच्छा, ये गंभीर नदी में? कलारिया नदी है ये। कलारिया नदी, गंभीर नदी बोलते हैं इसको। हाँ, नाम कलारिया गांव है। तो रोज कितने पकड़े तो मछली? दो तीन किलो मिल जाए बहुत। अच्छा, अभी क्या दिक्कत आ रही? ये पानी लाल चढ़ खून के खून बेरिया है। तीन या ये बारिश में 10-12 चक्कर पानी आई है। अच्छा, सारी मछली मर गई है। मछलियाँ मर रही इससे ना? अच्छा, ये गंदे पानी से आपके व्यापार पे फर्क पड़ रहा है इसका? हाँ, मछली सब मर रही जा रही है। मछली सब मर बीज खत्म होता जा रहा है। अच्छा, तो क्या चाहते हो आप? ये गंदा पानी साफ करवाना, और क्या है, तो लोग गाय ढूंढ के पीते हैं यहाँ के गांव वाले के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।